आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, सिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। कोरोना के शुरुआती दौर में संक्रमण कम था और लोगों के बीच में डर अधिक था, और आज की परिस्थिति में संक्रमण अधिक है लेकिन लोगों के बीच में डर खत्म होता जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन के बाद उत्पन्न बेरोजगारी और महंगाई के कारण खासकर ग्रामीण लोगों के लिए WHO एवं सरकार के दिए निर्देश का पालन करना बहुत मुश्किल है। इसकी एक और वजह निरंतर जागरूकता की कमी भी है। इन्हीं सब के बीच अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को निभाते हुए सामाजिक संस्था सोशल केयर फाउंडेशन के द्वारा शनिवार 26 सितंबर के दिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा प्रवित क्षेत्र कुसुम कनाली और होलुत कनाली के अति पिछड़े लोगों के बीच में निःशुल्क उच्च स्तरीय मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे दिल्ली के GD गोयनका यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राजेश प्रसाद जायसवाल जी, जिन्होंने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए कोरोना से बचाव के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आवश्यक सुरक्षा निर्देश एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सोशल केयर फाउंडेशन की सदस्य छाब्रोनी विद संस्था की राष्ट्रीय कार्यक्रम अध्यक्ष प्रीथा राय जायसवाल एवं संस्था के संस्थापक सह अध्यक्ष दीपक देव भी मौजूद रहे। कहीं बाहर निकलोगे तो पहन लेना और धो के ठीक है। रानीगंज पंजाबी मोड़ से सिउड़ी जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के तपसी रेल गेट के समीप बहुत दिनों से ब्रिज का निर्माण होने के कारण रास्ते की हालत बद से बदतर हो गई है। एक तो लोग तपसी रेल गेट से परेशान थे और ऊपर से जो ब्रिज बनकर निर्माण हो रहा है इसके कारण सड़क की हालत जर्जर हो गई है। बड़े बड़े वाहन के चलते सड़कों से धूल उड़ रही है जिससे मोटरसाइकिल सवार टोटो सवार आम नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। जब हमारे संवाददाता ने वहां के कुछ आने जाने वाले लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यह ब्रिज का निर्माण लगभग एक साल से चल रहा है जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सड़क के निर्माण के चलते यहां पर गाड़ियों की जाम लग जाती है, यहां पर इतनी ज़्यादा धूल उड़ते हैं कि आगे के मार्ग नज़र नहीं आते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा रात के समय में बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि ब्रिज का निर्माण का काम जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। से काम चल रहा है मोटा मोटी, हम तो 2-3 महीने से ये काम चल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग तो चाहते हैं रास्ता जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और क्या। आपका नाम? जब भी जाते हैं एक डेढ़ घंटा फंसना ही पड़ता रेलवे का, बहुत दिन से हो गया, करीबन 6-7 महीने से काम हो गया। तो क्या स्थिति है, मतलब अभी काम कंप्लीट तो नहीं हुआ? समझ में नहीं आता, काम चलता है, ऑफिस का परेशानी है, रेल लाइन की वजह से बहुत ज़्यादा। और कब से काम चल रहे हैं? काम तो बहुत दिन से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रकल्पों को बताते हुए रानीगंज के विभिन्न इलाकों में कर्मी सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज रानीगंज 88 नंबर वार्ड के हुसैन नगर में तृणमूल छात्र परिषद के उद्योग में रेहान साकिब के नेतृत्व में माननीय ममता बनर्जी के प्रकल्प के बारे में बताते हुए वृद्ध कर्मी का आयोजन किया गया। इस मौके पर रानीगंज तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कंचन तिवारी, पार्षद सीमा सिंह, अशरफ खान, हिना खातून, रानीगंज महिला सभापति नेहा यादव, आसिफ खान, नूरी साहब और तृणमूल छात्र परिषद के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री लड़ाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट से है, हम तृणमूल कांग्रेस करते हैं, इसलिए हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो यही रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें हमेशा लड़ना है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ना हमारे केंद्र के बीजेपी सरकार के किसी मिनिस्टर से या किसी प्रधानमंत्री से हमें कोई आपसी बैर है, या वो देखने में अच्छा नहीं है, वह उनका चेहरा खराब है, या फिर वो सारे दिन में 10-12 कपड़े चेंज करते हैं, अमित शाह जी मोटे हैं। মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নটা মানুষের সামনে তুলে দেওয়া এবং শিক্ষায়, দীক্ষায়, কালচারে, সামাজিক চেতনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মমতা ব্যানার্জির অগ্রগতিকে, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে মানুষের সামনে তুলে ধরার যে অঙ্গীকার করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমস্ত কর্মীদের জানাই জাতীয়তাবাদী গৌরী অভিনন্দন। আমরা হামারা রানীগঞ্জ মে খাস তৌর পর ছাত্র পরিষদ হো, যুব হো, ক্যোঁকি অভি কা জো লড়াই হ্যা ও লড়াই বহুত মানে কমপ্লিকেটেড লড়াই হ্যা, বিজেপি ভার্সাস তৃণমূল বোলিয়ে, হিন্দু পার্ষদ माइनॉरिटी बोलिए, क्योंकि ये बहुत टफ है और बहुत कठिन है। दोस्तों हम ये नहीं बोल रहे हैं जहां हम हिंदू मुस्लिम का लड़ाई